नमस्कार, पीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स से अध्याय 2 सरल रेखा में गति प्रश्न बैंक का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मरणीय बिंदु, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो क्या है? निर्देश तंत्र क्या है? वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। किस तरह का तंत्र है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। आगे है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, किसे बोलेंगे? इसमें निकाय स्थिर अवस्था में या एक समान गति अवस्था में होता है। निकाय या तो स्थिर होता है या एक समान गति की अवस्था में होता है। एक समान का ध्यान रखेंगे आप बच्चों, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? इसमें निकाय किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति में रहता है। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किस गति में होगा? त्वरित गति में होगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं होता है। न्यूटन के गति के नियम का पालन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में नहीं होता है कि वस्तु जब विराम अवस्था में होती है तो विराम ही रहना चाहती है, गति की अवस्था में होती है तो गति में ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है वो न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता है। उनमें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु छद्म या आभासी बल का अनुभव करता है। इस तंत्र में क्या होता है? वस्तु छद्म या आभासी बल का अनुभव करती है। फिर आगे है विराम अवस्था, किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, वस्तु या तंत्र के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। वस्तु की स्थिति में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वो आराम कर रही है, विराम अवस्था में है, उसे ही हम विराम अवस्था कहते हैं। और गति की अवस्था क्या है? जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, वस्तु या तंत्र के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। वस्तु क्या कर रही है? परिवर्तन करती है, तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं गति अवस्था। विराम या गति अवस्था सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती, ठीक है? जब तक वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं होता तब तक वस्तु की गति सरल रेखी या एक विमीय गति होती है। यदि दिशा में परिवर्तन हो रहा है तब होगी वह द्विविमीय, लेकिन सरल रेखी तब तक होगी जब तक उसकी दिशा में परिवर्तन ना हो। बिंदु वस्तु क्या है? जब किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी वस्तु के द्वारा या वस्तु के आकार या अमाप की तुलना में बहुत अधिक हो तब उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। कि छोटी सी वस्तु के मुकाबले अत्यंत दूरी तय कर ली गई है तो उस वस्तु को नगण्य मानते हुए बिंदु वस्तु मानेंगे हम। अब क्या है? दूरी या पथ की लंबाई अदिश राशि होती है। कोई भी लंबाई हम नाप रहे हैं दूरी को, वो एक अदिश राशि है। विस्थापन किसे बोलेंगे? वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि होती है। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन शून्य या ऋणात्मक हो सकता है किंतु दूरी नहीं, है ना? विस्थापन शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक सभी होता है, किंतु दूरी तो सदैव धनात्मक ही होती है, हम दूरी को ऋण में नहीं बोलते। एक समान गति किस गति को बोलेंगे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है
तब यह गति एक समान गति कहलाती है। परिवर्ती गति किसे बोलेंगे? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, कभी एक घंटे में 20 किलोमीटर, कभी एक घंटे में 25 किलोमीटर, तो हम कहेंगे यह परिवर्ती गति है। तब यह गति क्या कहलाती है? परिवर्ती गति कहलाती है। तात्क्षणिक गति किसे बोलेंगे? किसी क्षण विशेष पर अत्यल्प समय अंतराल में, बहुत कम समय अंतराल में किसी वस्तु की गति तात्क्षणिक गति कहलाती है। कोई एकदम न्यूनतम समय में किसी वस्तु की गति हम क्या बोल देंगे? तात्क्षणिक गति, यानी उस क्षण की गति, उस वर्तमान का जो क्षण होगा उस क्षण की गति तात्क्षणिक गति कहलाती है। आगे है, एक समान गति में वस्तु की औसत गति उसकी तात्क्षणिक गति के बराबर होती है। एक समान गति यदि हो रही है तो जो भी वस्तु की औसत गति, क्योंकि हर समय तो एक समान ही है, तो औसत गति को हम तात्क्षणिक गति कहते हैं, उसके बराबर होती है। चाल क्या है? चाल है इकाई समय में चली गई दूरी, चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। किस तरह का? इकाई समय, दूरी बटे समय, ये है चाल का फॉर्मूला। तो यदि हम इस समय को क्या कर देंगे? एकांक कर देंगे, इकाई कर देंगे, तो जो भी दूरी होगी वही किसके बराबर होगी? चाल के बराबर होगी। वेग क्या है? इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन वेग कहलाता है, या सदिश राशि है। बिल्कुल इसी तरह से वेग क्या है? विस्थापन समय अंतराल। तो देखिए, इकाई समय यदि कर दिया हमने यहां पर, तो इकाई समय में जो भी विस्थापन होगा वही क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। विमीय रूप में या मात्रक के आधार पर चाल तथा वेग समान होते हैं। जब हमें इन्हें विमीय सूत्र में दर्शाएंगे या मात्रक में दर्शाएंगे, तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड ही हैं दोनों के मात्रक, तो मात्रक समान होते हैं। त्वरण क्या है? त्वरण समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं, या वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को हम लिखेंगे यहां, समय के साथ वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? त्वरण। फिर मंदन, समय के सापेक्ष वेग में कमी को मंदन कहते हैं। दोनों के लिए एक ही फार्मूला है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, मंदन कहलाता है। तो देखिए, यदि वेग में परिवर्तन बढ़ता जा रहा है, गति में परिवर्तन बढ़ता जा रहा है, गति में वृद्धि होती जा रही है, तो वृद्धि यदि होती जा रही है तो हम बोलेंगे त्वरण। ध्यान दीजिए बच्चों, समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि हो को हम त्वरण कहते हैं, और समय के सापेक्ष वेग में कमी को मंदन कहते हैं। आगे है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। कमी हो रही है, कमी होते होते ऋणात्मक भी हो रहा है, तो उसे हम मंदन कहते हैं। दर तथा प्रवणता क्या है? समय के सापेक्ष परिवर्तन को दर और दूरी के सापेक्ष परिवर्तन को प्रवणता कहते हैं। यदि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे दर, और दूरी के सापेक्ष परिवर्तन को बोलते हैं प्रवणता। वेग क्या है? समय ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य के क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन के बराबर होता है। तो देखिए, समय ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य के क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन के बराबर होता है। चाल के लिए है, समय ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य के क्षेत्रफल वस्तु द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। ये विस्थापन से संबंधित है और ये दूरी से संबंधित है। आगे है, गति के समीकरण एक समान त्वरण पर लागू होते हैं, जो निम्न है, v बराबर u प्लस at,
एस बराबर यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, यहाँ वन अपॉन टू होना चाहिए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये है गति के समीकरण। गति के समीकरण, समीकरणों में टी सेकेंडों में चली गई दूरी एस है, जबकि टी वे सेकेंड में चली गई दूरी का एक अन्य समीकरण एस बराबर यू प्लस वन अपॉन टू ए कोष्टक में टू टी माइनस वन है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए त्वरण ए जी के बराबर होता है। ऊपर की ओर अपेक्षित वस्तु के लिए त्वरण ए माइनस जी के बराबर होता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात सदैव एक अनुपात तीन अनुपात पांच अनुपात सात अनुपात डैश 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 होता है। अब लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है ऐसा ग्राफ? ये ग्राफ वेग प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए दूसरा, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा, क्या शून्य होगा? प्रारंभिक वेग शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्व के अधीन है और स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु है, तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। नेक्स्ट है, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका अर्थ है कि वस्तु स्थिर है। इसका अर्थ क्या है? कि वस्तु स्थिर है। फिर नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दूरी दर्शाता है। यहां पर आ जाएगा दूरी। पांचवा है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? कब होगा? एक समान गति में, जब गति कैसी हो? एक समान गति हो, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब छठवां नंबर लेते हैं, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, त्वरण शून्य हो सकता है, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा, पहला है, वेग और चाल के मात्रक खाली स्थान होते हैं, दोनों के मात्रक तो समान होते हैं, यहां लिख देंगे समान होते हैं। चलिए अगला है, वेग प्रवणता का एसआई मात्रक खाली स्थान है, तो वेग प्रवणता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड माइनस टू। आगे है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी खाली स्थान होगी। यदि हम ऊपर की ओर कोई वस्तु को फेंक रहे हैं तो उसके द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी तो शून्य ही होगी ना, क्षैतिज में तो चल ही नहीं रही है वो, तो क्षैतिज में चली गई दूरी शून्य होगी। जैसे हम बोलते हैं ना, वाई अक्ष में जो है एक्स निर्देशांक शून्य होता है, उसी तरह से ऊर्ध्वाधर हम ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंक रहे हैं उसकी क्षैतिज दूरी शून्य होगी। फिर आगे है, तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव खाली स्थान होता है, कितना होगा? एक होता है, तो यहां हम लिख देंगे एक होता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय होगा। 8 सेकंड बाद जब वो वापस आ रही है तो आधा जाने का समय आधा आने का समय, तो अधिकतम ऊंचाई में कब पहुंच जाएगी? वो 4 सेकंड में पहुंच जाएगी। अगला है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान खाली स्थान होता है, तो क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। नेक्स्ट लेते हैं, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए।
नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? यदि कोई वस्तु नियत वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन शून्य होगा, तो यहां पर आ जाएगा शून्य। फिर अगला है, त्वरण ऋणात्मक होने की स्थिति समय ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो स्थिति समय ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? तो इस स्थिति में स्थिति समय ग्राफ जो है वो नीचे की ओर वक्रित होगा। कैसा होगा? नीचे की ओर वक्र बनेगा उसका, नीचे की ओर वक्रित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होगा? इस स्थिति में विस्थापन शून्य होगा, जहां से शुरू हुए वहीं चले आए। फिर है वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है, उसका क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई को हम u मान लें, आधार को t मान लें, तो उस समय में वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है। क्या करता है? वह विस्थापन को व्यक्त करता है। देखिए पूछा गया है vt ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो एक आयत का क्षेत्रफल व्यक्त करता है जो उस समय में वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है? तो सूर्य के चारों ओर जो दीर्घवृत्ताकार गति पृथ्वी की होती है वह कहलाता है परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के अलावा हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन होती है जो कि खुद के अक्ष पर घूमती है, और एक परिक्रमण होती है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण है, पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगता है? 365 दिन 6 घंटे में लगता है। फिर हम एक वर्ष को केवल 365 दिन ही लेते हैं, तो हर 4 साल में वो जो 6-6 घंटे है ना, वो जुड़कर एक लीप वर्ष बनाते हैं जिसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण की गति लगभग 68,000 मील प्रति घंटा है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही तो क्या होती हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। जैसे हमें पता है कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है जिसके कारण दिन रात होते हैं। तो इस तरह से हम जानेंगे कि दीर्घवृत्ताकार गति में किस प्रकार की गति होती है, वो परिक्रमण गति होती है। आगे है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री के सापेक्ष दूसरे सहयोगी की गति कितनी होगी? अब चूंकि ट्रेन में बैठे हुए दोनों यात्री एक दूसरे के सहयात्री हैं, यानी साथ में बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति में गति क्या होगी? शून्य होगी। दोनों की सापेक्ष गति शून्य होगी। दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होगा? एक उदाहरण दीजिए, जब वस्तु किसी बिंदु से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई वस्तु किसी बिंदु से प्रारंभ हुई चलना और उसी स्थान पर यदि वो वापस आ गई है तो वह क्या होगा? विस्थापन शून्य की स्थिति होगी। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।